नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए जनगणना को लेकर बड़ी बात कही। दरअसल प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बिहार की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने समन भेजा है। पीटीआई ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि दोनों को कब बुलाया गया है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं एक्टर रणबीर कपूर ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को ईमेल भेजकर पेश होने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा है। रणबीर को 6 अक्टूबर यानी कि आज रायपुर के ईडी दफ्तर में पेश होना था। ईडी रायपुर के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि रणबीर को 6 नहीं बल्कि 5 अक्टूबर को पेश होना था, लेकिन वो नहीं आए। शाम 5 बजे तक अफसरों ने उनका इंतजार किया। उनका ईमेल मिलने के बाद अब शुक्रवार को तय किया जाएगा कि उन्हें दूसरा समन किस तारीख को भेजा जाए। छत्तीसगढ़ बीजेपी में लगातार संभावित प्रत्याशियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रायपुर के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए थे। बड़े नेताओं से मिलने की जिद करते हुए हंगामा करने लग गए। आरंग से आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें पैराशूट लैंडिंग नहीं चाहिए। आरंग से पैदल मार्च करते हुए पहुंचे कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लग गए। दरअसल आरंग विधानसभा सीट से गुरु खुशवंत साहिब का नाम चर्चा में है, जिसके कारण कई कार्यकर्ता नाराज हैं। प्रदेश कार्यालय में मौजूद कुछ पदाधिकारियों ने इन्हें समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं माने। बिलासपुर रेंज के आईजी अजय यादव ने विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले लंबे समय से एक ही जिला में पदस्थ पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया है। इन पुलिसकर्मियों को प्रमोशन के बाद पोस्टिंग दी गई। इनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मियों को दूसरे जिले में भेजा गया है। बिलासपुर रेंज के हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के लिए हाल ही में लिस्ट तैयार कर ली गई थी। इसके लिए एग्जाम भी बकायदा लिया गया था। इसमें सफर होने वाले हेड कांस्टेबल को एएसआई के पद पर प्रमोशन दिया गया। हालांकि प्रमोशन के बाद भी वो एक ही जिले में सालों से जमे हुए थे। प्रमोशन के बाद भी जिले में ही तैनात रहने की मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।